हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास टू एनवायरमेंटल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 5, जो कि है एयर। एयर का मतलब क्या होता है? एयर का मतलब होता है हवा, जो हमारे चारों तरफ होती है। आपने देखा होगा कि जब इस तरह से कोई भी नाव चलती है तो उसमें लगे हुए जो पर्दे होते हैं वो हवा की दिशा में फूल जाते हैं, जो ये बताता है कि हवा इस दिशा में चल रही है। इसी प्रकार से आपने पतंग को उड़ते हुए भी देखा होगा, पतंग भी हवा के सहारे से ही उड़ती है। साइकिल के जो टायर होते हैं उनमें भी क्या भरी हुई होती है? हवा भरी हुई होती है। बलून में क्या भरा हुआ होता है? बलून में भी हवा भरी हुई होती है। तो आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हवा क्या है, हवा में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हवा का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, और हवा मुंह चलने वाली हवा को हम क्या कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर, जो कि है एयर। एयर इज ऑल अराउंड अस, इट हैज नो कलर, स्मेल और टेस्ट। हवा क्या है? हमारे चारों तरफ होती है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, कोई स्मेल नहीं होता है और कोई टेस्ट भी नहीं होता है। इट कैन नॉट बी सीन बट ओनली कैन ओनली बी फेल्ट। इसको हम देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, ये हमारे जीवन के लिए भी अति आवश्यक होती है। वी नीड एयर फॉर ब्रीदिंग, हम हवा को सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। वॉट डस एयर कंटेन्स, मतलब हवा में क्या क्या होता है। At home, you must have seen that cloths kept under the sun become dry after some time. आपने देखा होगा कि जब हम अपने घरों में कपड़ों को धूप में सूखने के लिए छोड़ते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद सूख जाते हैं। The water present in the cloth is changed into water vapor. ये कैसे होता है? क्योंकि हमारे जो कपड़े होते हैं उसकी जो पानी होता है वो वाटर वेपर के रूप में बदल जाता है। बाय द हीट ऑफ द सन, सूरज की गर्मी से। दिस वाटर वेपर मिक्स विद द एयर, और ये वाटर वेपर कहाँ जा कर के मिक्स हो जाते हैं? हवा में जा कर के मिक्स हो जाते हैं। दस एयर ऑलवेज हैज सम वाटर वेपर इन इट, मतलब क्या हुआ कि हवा में हमेशा थोड़ा बहुत पानी की मात्रा होती है। वी शुड ब्रीद क्लीन एंड फ्रेश एयर टू स्टे हेल्दी, हम क्या करते हैं? सांस लेने के लिए फ्रेश और क्लीन हवा को लेते हैं जिससे हम स्वस्थ रहें। प्लांट्स कीप एयर फ्रेश एंड क्लीन, तो ये एयर को फ्रेश और क्लीन करने का काम कौन करता है? ये प्लांट्स जो हैं वो एयर को फ्रेश और क्लीन करने का काम करते हैं। दिस इज़ वाई वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। एयर बिकम डर्टी बाय स्मोक एंड डस्ट गिवन ऑफ बाय व्हीकल्स, हवा गंदी कैसे होती है? स्मोक और डस्ट से। और ये स्मोक और डस्ट कहाँ से आते हैं? गाड़ियों से आते हैं, फैक्ट्रियों से आते हैं। इफ़ वी ब्रीद एयर वी कैन फॉल सिक, अगर हम इस हवा को सांस लेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। एयर कंटेन्स ऑक्सीजन विच इज यूज्ड फॉर ब्रीदिंग बाय लिविंग बींग्स, हवा में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, जो जीवित चीज़ों के लिए सांस लेने के लिए आवश्यक होती है। उसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर, हवा की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या गुण हैं। एयर फिल्स स्पेस, हवा स्थान घेरती है। एयर हैज़ वेट, हवा में भार होता है।
When filled in flattened soft object, air gives them shape. जब हम किसी भी चीज में हवा को भरते हैं तो वह उसका आकार ले लेती है इस तरह से. Air helps in moving such as sailboats and kites. हवा जो है हमें मूव करने में भी हेल्प करती है. कब? सेल बोट्स को, जैसे हो गया काइट हो गई आदि. एयर हेल्प्स इन बर्निंग, हवा जलने में भी सहायक होती है. लुक एट द टू ट्यूब्स इन द गर्ल्स हैंड. ये आप देख रहे हैं गर्ल्स के हैंड में दो ट्यूब्स हैं. यू कैन नोटिस द difference between two tubes. One of the tube is flat with no air while the another has filled in the air. Tube contains air in bigger in the size. जिसमें हवा नहीं भरी है वो ट्यूब कैसा है? छोटा है. और जिसमें हवा भरी है वो कैसा है? बड़ा है आकार में. It is heavier than one with no air. जो वो क्या है? एक हैवी है. जिसमें हवा नहीं है वो हल्का है और जिसमें हवा है वो भारी है. It has round shape. यह गोल आकृति का है. This shows that air fills up empty space and has weight. तो ये बताता क्या है कि हवा खाली जगह को भरने का काम करती है और उसमें क्या होता है? वजन होता है. तो अब आप इन फिगर्स को देख के बता सकते हैं कि किन किन फिगर्स में हवा भरी हुई है और किन चीज़ों में हवा नहीं है. जो ये फूला हुआ बलून है इसमें हवा है, जबकि ये पिचका हुआ बलून है इसमें हवा नहीं है. इसी प्रकार फुटबॉल में भी हवा है और ये एयर बलून में भी हवा है, काइट में हवा नहीं है. तो इस प्रकार से हमने समझा कि हवा किसी भी जगह को घेर करके अपना वजन बताती है. अब हम देखते हैं मूव करने वाली एयर को हम क्या कहते हैं और कौन कौन सी होती हैं. वी कैन फील द एयर व्हेन इट मूव्स. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. हवा क्या है? जब चलती है तो हमें महसूस होती है और इस चलने वाली हवा को हम विंड कहते हैं. व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली, जब हवा धीमी धीमी चलती है तब हम इसे कहते हैं ब्रीज. इट इज़ कॉल्ड ब्रीज. वी इंजॉय कूल ब्रीज इन समर. गर्मियों में हमें ठंडी चलने वाली हवा में बहुत कैसी लगती है? अच्छी लगती है. अ स्ट्रॉन्ग विंड दैट ब्लोज वेरी फास्ट इन थंडर, लाइटनिंग एंड रेन इज कॉल्ड स्ट्रॉम. और जब हवा बहुत तेज चलती है ना, तो हम उसको क्या कह देते हैं? स्ट्रॉम कह देते हैं. जब बरसात के टाइम पे तेज हवा चलती है तब हम उसको क्या कहते हैं? स्ट्रॉम कहते हैं. इट ब्लोज थिंग्स अवे एंड कैन कॉज डैमेज टू ट्री एंड हाउसेज. ये क्या करती है? जब चलती हैगी तो घरों को, पेड़ों को, सबको नुकसान पहुंचाती है. अ स्ट्रॉम कैन बी वेरी हार्मफुल. ये बहुत नुकसानदायक होती है. अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड ग्ले. ठीक है. अभी इसके बाद अब आप देखिए यहाँ पर ब्रीज का फिगर दिख रहा है. धीरे धीरे हवा चल रही है, पेड़ हल्के हल्के से हिल रहे हैं. वहीं स्ट्रॉम में क्या हो रहा है? पेड़ पौधे हवा के कारण गिर गए हैं और गले में पेड़ कितनी तेज से हिल रहे हैं. तो इस तरह से ये तीनों एग्जांपल हो गए हवा के चलने के. अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ विंड, हवा के क्या क्या उपयोग हैं. विंड हेल्प अस इन मैनी वेज एज शोन इन द पिक्चर गिवन अलोंग साइड. देखिए यहाँ पर हमको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है
इट हेल्प्स बोट टू सेल, ये बोट्स को चलने में मदद करता है, तैरने में मदद करता है। इट हेल्प काइट्स टू फ्लाई, ये पतंग को उड़ने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू ड्राई क्लॉथ्स, ये कपड़ों को सुखाने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन फ्लाइंग द वेदर बलून, वेदर बलून को फ्लाई करने में भी ये मदद करता है। और इट टर्न्स द ब्लेड्स ऑफ वाइंड मिल, वाइंड मिल के ब्लेड्स को ये घुमाता है, और वाइंड मिल के घूमने से क्या होता है, बिजली बनती है। तो इस प्रकार से हमने हवा के बहुत सारे उपयोग देखे। अब आप वन वर्ड में ये आंसर बता सकते हैं। जेंटल ब्लोइंग विंड इज ब्रीज, विंड दैट ब्लोज वेरी फास्ट विथ थंडर एंड रेन इज स्ट्रॉन्ग, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज गले, मूविंग एयर इज विंड। ठीक है, ये इसके आंसर्स हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमने आज के इस चैप्टर में देखा कि एयर हमारे चारों तरफ है, हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा की ज़रूरत पड़ती है, चलने वाली हवा को हम विंड कहते हैं, धीमी चलने वाली हवा को हम ब्रीज कहते हैं, तेज़ चलने वाली हवा को हम स्ट्रॉम्स कहते हैं। ठीक है, और हवा के बहुत सारे उपयोग हमने देखे। चलिए अब हम इस लेसन की एक्सरसाइज देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ गिवन आंसर्स, ब्लैंक फ्लाई नाइसली ऑन द विंडी डेज, काइट्स, द ब्लैंक ऑफ विंड इज शोन बाय विंड वेन, डायरेक्शन, विंड्स मेक्स थिंग्स मूव, एयर हेल्प्स अ बोट टू सेल, अ जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज। इसके बाद इसके ये मैच पेयर्स हैं, इसको आप घर पे करेंगे, और इन मैच पेयर्स के बाद में आपके लिए है डेफिनेशंस। तो ये हमने डेफिनेशंस आपको सारी चैप्टर में बताई है, इसके आंसर्स और डेफिनेशंस। राइट एनी टू वेज इन विच विंड हेल्प्स अस, कैसे करती है हवा टू मूव सेल, मूव बोट टू सेल, और हेल्प्स फ्लाई टू काइट। हाउ इज ब्रीज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रॉम, ब्रीज जेंटली मूविंग एयर है और स्ट्रॉम है स्ट्रॉन्गली मूविंग एयर, है ना। टू प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एयर हैज नो कलर, एयर हैज वेट, एयर हैज टेकिंग शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप बच्चे लोग इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखते रहें, जिससे कि आपको सब चीज़ें आसानी से समझ में आए। और जिन्होंने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अगली क्लास का अगला वीडियो आसानी से मिल जाए और पता चल जाए। तब तक बच्चों अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।